सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइज, आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, जोएल की RS है BS6 और इसकी सर्विस हो रही है, सेकंड सर्विस हो रही है। सो गाइज, आज की वीडियो में थोड़ा सा वॉइस ओवर रहेगा एंड मेन हाइलाइट्स रहेंगी इसके ECU अपडेट पे। सो गाइज, RS 200 का मैं आपको बता दूं कि ECU अपडेट आ चुका है, तो इस वीडियो में इसका ECU अपडेट करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। तो इसकी सर्विस हो रही है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये धुल रही है अभी, उसके बाद इसको अंदर लेके जाएंगे एंड देन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं बाइक अंदर आ चुकी है और ये अभी ड्राई हो रही है एयर से, तो अभी इसकी सीट वगैरह खोली जा रही है, ऑयल ड्रेन होगा, तो देखते रहिए वीडियो को। सो स्पेशल थैंक्स टू अजय भैया, सुपरवाइजर हैं भैया यहाँ पे, सर्विस मैनेजर, सॉरी टू से सर्विस मैनेजर, एंड आकाश भैया फॉर सर्विसिंग द बाइक। तो आज की वीडियो में सिंपली इसकी सर्विस होगी एंड सर्विस के साथ साथ इसका ECU भी अपडेट करेंगे। इसमें एक्सपायर वर्जन अपडेटेड है। हाँ, अपडेट करेंगे एक्सपायर वर्जन। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम अजय मौर्या है, मैं यहाँ सर्विस मैनेजर हूँ। हमारे पास जो गाड़ी आई है BS6, इसमें अभी हम सर्विस नॉर्मल आई है, कंपनी ने दिया है अभी जो भी BS6 गाड़ी आ रही है इसमें एक्सपायर वर्जन अपडेट करने हैं, वो एक्सपायर वर्जन अपडेट करेंगे, बाकी सारा शेड्यूल आपको दिखाएंगे कैसे सर्विस पूरा। तो बने रहिए वीडियो में। तो गाइज, अभी इसकी बैटरी की टेस्टिंग हो रही है, तो ECU के फ्लैश से पहले बैटरी की टेस्टिंग होती है। तो दो तरह के मल्टीमीटर्स हैं बजाज के पास, एक इनका एक खुद का ही है और एक दूसरा मल्टीमीटर भी है, तो दोनों से ही चेक करते हैं। तो पहले इसका वोल्टेज चेक करते हैं दोनों का ही कि बैटरी सही है एंड बैटरी का चार्जर सही है, उसके बाद ही प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल ओके कंडीशन, देख सकते हैं आप चार्जर भी सही काम कर रहा है। तो वो बैटरी का परसेंटेज था, ये स्टार्ट के बाद 14 आता है, तो वो चार्जर का परसेंटेज होता है। तो देख सकते हैं ऑयल ड्रेन होने वाला है एंड भैया ऑयल ड्रेन करेंगे। सो ऑयल यहाँ से ड्रेन होता है, देख सकते हैं। तो ऑयल इसका निकल चुका है, भैया ने ऑयल निकाल दिया है, बाकी इसका ऑयल फिल्टर निकालते हैं। हॉर्न तो नहीं आएगा बीच में, तो ये रहा ऑयल फिल्टर पुराना वाला एंड ये पूरा एरिया साफ होता है, देन न्यू ऑयल फिल्टर पड़ता है। सो गाइज, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, जो कि है इसका ECU का फ्लैश और कह सकते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। तो देख सकते हैं ये मशीन अपडेट करने के लिए और इसमें सेलेक्ट हो रहा है एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली इसका ECU फ्लैश हो जाता है। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल फ्री है, आपको इसके पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी कंपनी में जाएं। बाकी आगे का प्रोसीजर आप इस वीडियो में देखते रहिए। काम धाम छोड़ ले चैनल। 21 मॉडल है, 21 मॉडल नो कोड, ठीक 18-28, ठीक। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं फ्लैशिंग ECU की हो चुकी है एंड मैप इंस्टॉल हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सो अब इसकी टॉप स्पीड चेक करना रह गया है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसकी टॉप स्पीड चेक करेंगे। अभी के लिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।